बिजली कटौती के विरोध में कारोबारी लामबंद हो गए हैं। जन उद्योग संगठन ने बिजली दफ्तर के सामने अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कारोबारियों ने एक सुर में बिजली कटौती से प्रभावित हो रहे कारोबार और परेशानियों से बिजली विभाग को अवगत कराया। संगठन ने इस बिजली कटौती को बंद करने की मांग की है। शिवाबाद शहर की विद्युत व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, इसलिए 3 तारीख को सभी व्यापारियों ने एक ज्ञापन एक्सएम साहब को आवास विकास को उन्होंने बिजली दफ्तर में दिया था। उस ज्ञापन को 48 घंटे का समय उन्हें दिया गया था। उस ज्ञापन को पढ़ने के बाद भी उन्होंने कोई विद्युत सुधार नहीं दिया और इसलिए मजबूरन होकर व्यापारियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। 3 तारीख को हमने एक्सएम महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हम कसारे लोग थे। हमने उनसे मांग की थी 48 घंटे के अंदर बिजली में सुधार किया जाए और जो रोस्टर प्रणाली है हमको बताई जाए। रोस्टर प्रणाली को बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन बिजली कटौती इतनी हो रही है दिन में, अभी रात में सो नहीं पाते, दिन में 15 मिनट आती है, 15 मिनट चली जाती है, कोई सुधार नहीं हुआ। 48 घंटे पूर्ण होने पर हमने आज धरना दिया है। आज हमारे यहाँ पे मुख्तारी से बात हुई और इस बारे में बात हुई कि जो विद्युत की जो आपूर्ति है, जो कटौती है, उसका एक रोस्टर इन्हें उपलब्ध कराया जिससे इनका बिजनेस वगैरह जो है उसके आधार पर एडजस्ट कर सके, तथा लोकल स्तर पर जो कटौती है, जर्जर तार हैं, उसको पूर्ण रूप से सही कराया जाए ताकि लोकल स्तर पर होने वाले फॉल्टों को अवॉइड किया जा सके। तो इस बारे में हमने इनको आश्वासन दिया तथा जहाँ पे ज़्यादा समस्या है वहाँ के प्राकलन प्रस्तुत करके ऊपर प्रेषित करके अधिकारियों से पास करा के वहाँ पर काम कराएंगे, तथा रोस्टर की जो सप्लाई है उसके बारे में हमने बता भी दिया है ना। इस समय कोई वर्तमान में कोई लिखित रूप से हमें प्राप्त नहीं है रोस्टर के ऊपर की सप्लाई, लेकिन फिर भी मौखिक रूप से जो भी चेंजेस होंगे इनको हम समय समय बताते हैं।